सरकोटा में एक वीक पहले दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, तो उस दिन से मेरे माइंड में बात चल रही है कि कोटा में क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और आज टीचर डे भी है, तो इस मौके पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि कोटा में ही क्यों सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, इस पे ना तीन तीन बातें बताऊंगा मैं। तीन बातें हैं जो मैंने भी सोचा था, और मैंने वो खबर पढ़ी तो मैंने भी सोचा था ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे। तो जो मुझे लगा था, जो मैंने फील किया था उनके लिए, तो मुझे तीन कारण, तीन आदमियों को कुछ बताना है। पहला आदमी है वो स्टूडेंट खुद। उन सभी को ये बोलना है कि कैरियर आपके जीवन का एक एक नींव है, एक स्तंभ है, एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। कैरियर आपके जीवन का एक पॉइंट है, पूरा जीवन कैरियर नहीं है। दूसरा, जो वहाँ पे टीचर हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके ओनर को एक बात बोलनी है कि पढ़ाई को बिजनेस मत बनाओ। आप पढ़ाई को बिजनेस बना रहे हो, उनको इतना प्रेशराइज, उनको उस तरीके का माहौल नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए टीनेज को। बिजनेस बनाने के चक्कर में बच्चों को प्रेशराइज, उनके दिमाग में इतना बर्डन, टेस्ट का बर्डन, जो कि जो ये हादसा हुआ उस से पहले ही एक टेस्ट था, उस टेस्ट में वो फेल हो गया था, तो इस कारण से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था जिन्होंने ये काम किया। तीसरा, मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अपने सपने अपने तक सीमित रखें, अपने सपने अपने बच्चे के ऊपर ना लाद दें कि हम कुछ ना बन पाए इसलिए तू बन के दिखा। अपने सपनों का प्रेशर अपने बच्चे पर ना दें। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखना, जीवन से बड़ा कोई कैरियर नहीं है।